हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल है हम बात करने वाले विवो बाई अट्ठारह ई हमारे पास फोन है इस फोन में जो प्रॉब्लम है इसमें एफ आर पी लगी हो तो आज की इस वीडियो में बताएंगे अगर आपके पास वीवो बाई अट्ठारह ई फ़ोन है वो फोन आपसे गलती से हार्ड डिसाइड या फॉर्मेट होता है उसमें एफ आर पी लग जाती है तो उसकी एफ आर पी आप किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं तो देखते हैं पूरी वीडियो शुरू से एंड लास्ट तक दोस्तों वीडियो पसंद आए जो वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो सबसे पहले जो अपना फोन है ये वाईफाई नेटवर्क से आपको कनेक्ट करना तो मैं अपना फोन जो वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर लेता हूं जैसे मैं इसे आगे बढ़ाता हूं ये पैटर्न और गूगल अकाउंट मांगता है इससे आगे हमारा फोन दोस्तों नहीं, जा, नहीं जाता मैं दिखाता हूँ इसका मॉडल नंबर पीछे से ये बाई अट्ठारह ही फोन है और इसमें जो एंड्रॉड वर्जन है वो फोटीन है लेटेस्ट अपडेट के साथ फोन है तो मैं दिखाता हूँ आपको करना करने से बैक करना अपना फोन बिल्कुल यहाँ से बैक करना तो यहाँ से बैक कर लेता हूँ बैक करने वास्तु आपको करने है यहाँ से वॉल्यूम प्लस और डाउन दोनों बटनों बटनों को आपको एक साथ दबाना जैसे ही एक साथ तो हमारे जो फोन का टैल बैक होता है वो यहाँ से ऑन हो जाएगा तो मैं कर लेता हूँ जैसे मैं एक साथ दबाऊंगा तो यहाँ टर्न ऑन के लिए बोलेगा पहले ये तो आ चुका नीचे टर्न ऑन पे क्लिक करना और जैसे मैं टर्न ऑन पे क्लिक करूंगा तो फिर से मैं दबाना है वॉल्यूम अप और डाउन दोनों फिर से एक साथ दबाने जैसे भी यहाँ दबाऊंगा तो हमारा जो तो टैल होगा वो हो जाएगा ये हो चुका है फिर क्लोज पर क्लिक करना है डबल बार फिर यहाँ क्लोज पर क्लिक करना फिर इसके बाद आपको स्क्रीन पर एक पहले अलाउ करना है इसके बाद इस तरीके से आपको लाइन खींचनी इस तरीके से फिर इसके बाद यहाँ सर्च का ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन सर्च का यहाँ है क्लिक करना तो मैं कर लेता हूँ इसके बाद जैसे यहाँ क्लिक करूँगा उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन में आपको यहाँ नीचे रहा तो यहाँ क्लिक करना है इसके बाद डबल बार यहाँ क्लिक करना तो मैं कर लेता हूँ इसके बाद करना गया नेक्स्ट पर क्लिक करना और जैसे मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से हमें यहाँ तीन फिंगर से आपको इस तरीके से करना है स्क्रीन पर तो मैं कर लेता हूँ तो आपको इस तरीके से करना है इस तरीके से जैसे हम करेंगे तो यहाँ सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा तो मैं दिखाता हूँ फिर से तो यहाँ क्लिक करना इस तरीके से करने के बाद यहाँ सेटिंग का ऑप्शन आएगा तो सेटिंग वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना तो जैसे भी यहाँ क्लिक करूँगा तो सेटिंग हमारे फ़ोन की जो खुल जाएगी इसके बाद करना है यहाँ से एक बार बैक करना और बैक करने के बाद उसके यहाँ से करना है टैल बैग जो है इसका बंद करना तो मैं यहाँ से टैल बैग जो है इसका बंद कर लेता हूँ और जैसे टैल बैग जो बंद होगा इसका बोल अप और डाउन से दोनों बटनों को एक साथ दबाना पड़ेगा तभी हमारे जो फोन का टैल बैग है वो बंद होगा इसके बाद करने का यहाँ से आपको नीचे आना है और यहाँ एक ऑप्शन में आपको बर्ली की पेड का यहाँ बर्ली डिस्प्ले का तो बर्ली डिस्प्ले वाले पे क्लिक करना इसके बाद यहाँ गो टू टैल बैक पर क्लिक करना तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ एक् मेनू का यहाँ क्लिक करना इसके बाद यहाँ सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा नीचे तो यहाँ मैं सेटिंग पे क्लिक कर लेता हूँ यहाँ सबसे नीचे क्लिक करना सेटिंग वाले ऑप्शन पर इसके बाद हेल्प एंड फीडबैक पर क्लिक करना तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसके बाद यहाँ सर्च हेल्प का ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ मिलने के बाद आपको करना है यहाँ से लिखना है सर्च हेल्प में यूट्यूब तो मैं यहाँ यूट्यूब लिख लेता हूँ और जैसे मैं यूट्यूब लिखूंगा तो यूट्यूब लिख के आपको सर्च करना तो मैं कर लेता हूँ जैसे मैं यूट्यूब लिख के सर्च करूँगा तो हमारे सबसे ऊपर की वो आ जाएगी तो यहाँ क्लिक करना जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से एक यूट्यूब की वीडियो जो होती है वो यहाँ आ जाएगी तो यहाँ पर हमें डबल बार क्लिक करके यूट्यूब की वीडियो को ओपन करना है तो मैं कर लेता हूँ और जैसे मैं यूट्यूब की वीडियो को ओपन करूँगा तो हमारे फोन का जो यूट्यूब होता है वो खुल जाएगा इसके बाद यूट्यूब की सेटिंग में जाना फिर हिस्ट्री एंड प्राइवेसी में जाना फिर यूट्यूब टर्म ऑफ सर्विस में जाना और जैसे मैं क्लिक करूँगा इसके बाद जो हमारे फोन का क्रोम ब्राउज़र होता है वो ओपन हो जाएगा और इसके बाद करना का यहाँ से एक साइड है जिसका नाम है बी के स्मार्टफोन तो यहाँ से मैं साइड डाल लेता हूँ तो यहाँ लिखना है बी के स्मार्ट फोन तो मैं लिख लेता हूँ बी के स्मार्टफोन लिख के आपको सर्च करना तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ बीके स्मार्टफ़ोन आपको यहाँ टाइप करना तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ तो बी के स्मार्ट फोन लिखना है यहाँ और लिख के आपको सर्च करना तो जैसे मैं सर्च करूँगा तो यहाँ सबसे ऊपर साइड जाएगी बी के स्मार्ट फोन डॉट कॉम वाली इस पर क्लिक करना और जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ एक ऑप्शन आएगा गूगल अकाउंट बाईपास हज़ार चौबीस तो यहाँ क्लिक करना इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे आपको दसवें नंबर पे ओपन सेटिंग का तो ओपन सेटिंग पे आपको क्लिक करना है तो मैं खरी लेता हूँ यहाँ ओपन सेटिंग पर जैसे मैं क्लिक करूँगा हमारे फोन की जो सेटिंग होती है वो खुल जाएगी सबसे पहले मैं इसका मॉडल मॉडल नंबर दिखाता हूँ अबाउट फोन में जाके वीवो बी अट्ठारह ई एंड्रॉइड वर्जन इसमें चौदह है और फन टच इसमें जो है वर्जन है तो आपको करना है नया से सिस्टम में जाना और इसके बाद यहाँ फ़ोन क्लोन वाले ऑप्शन पे जाना इसके बाद जो फोन क्लोन है हमारा ओपन हो जाएगा फिर नीचे वाले पे क्लिक करना फिर एंड्रॉड पे क्लिक करना फिर गोइड पे क्लिक करके जो हमारे फ़ोन का फ़ोन कलोन है वो खुल जाएगा इसके बाद इसमें कैमरा जो है ओपन हो जाएगा तो यहाँ से कैमरा ओपन होने के बाद दोस्तों इसमें करना दूसरे फोन है दूसरे फ़ोन की हमें जरूरत पड़ी आप कोई सी भी कंपनी का यहाँ फोन ले सकते हैं तो मैं यहाँ से फोन ले लेता हूँ कोई सी भी कंपनी का फोन यहाँ ले सकते हैं एंड्रॉड फोन होना चाहिए एंड्रॉइड फोन लेने के बाद दोस्तों आपको करना है यहाँ से प्ले स्टोर में जाना और प्ले स्टोर से हमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है पहले कर लेता हूँ यहाँ एक्टिविटी लॉन्चर तो एक डेढ़ एम बी की अपीलिकेशन एकदम डाउनलोड हो जाती है तो मैं यहाँ से एक्टिविटी लॉन्चर जो एप्लीकेशन है यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ तो इसे हमारे फ़ोन में डाउनलोड है पहले से ही इसके बाद आपको यहाँ से इंस्टॉल करना मैं कर लेता हूँ अब इसके बाद दूसरी एप्लीकेशन जो है वीवो ई जी है तो यहाँ लिखना है ई जी तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ इजी सेयर लिखना पहले तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ ई जी तो ई जी लिख के ये एप्लीकेशन भी आपको डाउनलोड करनी है तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ इजी सेयर वाली एप्लीकेशन भी इंस्टॉल पर क्लिक करना तो यहाँ जैसे ही मैं डाउनलोड पर क्लिक कर रहा यहाँ से ओपन हो जाएगी हमारी एप्लीकेशन ये ये डाउनलोड हो रही है यहाँ से इसे ओपन करना तो मैं कर लेता हूँ यहाँ अलाउ परमिशन जो मांगा तो सारी परमिशन यहाँ से अलाउ कर देनी फिर फोन क्लोन पे क्लिक करना फिर परमिशन मांगेगा तो सारी परमिशन यहाँ से अलाउ कर देनी इसके बाद ये परमिशन मांगेगा अभी तो परमिशन यहाँ से पहले अलाउ करनी है तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ फिर गोइट पे क्लिक करना फिर ये लोकेसन मांगना तो आपको अलाउ करनी सब इसके बाद इसमें बार कोड बन जाकर बन चुका फिर इस वाले फ़ोन से मैं स्कैन कराना तो मैं करा लेता हूँ ये हमारा जो बार कोड है इसमें स्कैन हो चुका है जैसे मैं स्कैन कराऊंगा तो हमारे जो फोन है एक दूसरे जो कनेक्ट हो जाएंगे ये हो चुके हैं फिर परमिशन मांग रहा है तो परमिशन यहाँ से लाओ करनी पहले इसके बाद ये कनेक्ट हो चुके हैं इसके बाद करने का यहाँ से सब पे पहले इंटिक करना है सब पे जाकर लिखो टिका जाएगा तो लगा तो पहले सब पे करना है तो मैं कर लेता हूँ यहाँ से इसके बाद यहाँ केवल ऐप्स वाले ऑप्शन हमें जो है ऐप्स वाले ऑप्शन जो है इसे ओपन करना इसके बाद यहाँ से एक एप्लीकेशन हमें एक्टिविटी लॉन्चर जो एप्लीकेशन है इस एप्लीकेशन को इस वाले फोन में जो है सेंड करनी है एक्टिविटी लॉन्चर वाली एप्लीकेशन जो हमने डाउनलोड करी थी तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ इस एप्लीकेशन को यहाँ से नेक्स्ट क्लिक करना इसके बाद यहाँ लॉक मांगेगा तो लॉक भी आपको डालना लॉक डालने के बाद दोस्तों स्टार्ट क्लिक करना है ये एप्लीकेशन जो हमारे इस फोन में चली जाएगी तो हमारी एप्लीकेशन जा चुकी है इस वाले फोन में एक्टिविटी लॉन्चर इसमें करना है कि आप इस वाले फोन का काम हो चुका है इसे आपको साइड में रख देना है इसके बाद यहाँ ऊपर क्लिक करना है इसके बाद यहाँ एफ्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है इसके बाद जो एक्टिविटी लॉन्चर एप्लीकेशन है इस एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन करना है तो मैं कर लेता हूँ और यहाँ हमारी एप्लीकेशन जो ओपन हो रही है अगर आपको वीडियो पसंद आए जो वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल जो सब्सक्राइब करें हमारी जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो चुकी है इसके बाद करना करने इसमें एक ऑप्शन है आपको एंड्रॉइड सेटअप का तो एंड्रॉड सेटअप पर आपको क्लिक करना तो मैं कर लेता हूँ जैसे मैं एंड्रॉइड सेटअप पर क्लिक करूँगा तो यहाँ सबके सामने सेटिंग का ऑप्शन होगा ये रहा तो केवल एक के सामने नहीं होने का यह रहा, जिसके सामने सेटिंग का ऑप्शन नहीं होने का तो आपको यहाँ क्लिक करना और जैसे मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा तो इसका जो सेट है वो खुल जाएगा ये खुल चुका है मॉडल नंबर भी आ चुका है इसके बाद है नीचे स्टार्ट पर क्लिक करना आपको वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना इसके बाद है स्किप तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसके बाद करना गया यहाँ यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना डोंट कापी पे क्लिक नहीं करना नेक्स्ट पे क्लिक करना है फिर नेक्स्ट फिर नो केबल पे क्लिक करना कॉपी विदाउट केबल फिर यहाँ नेक्स्ट तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ और करने के बाद उसको यहाँ करना गया है नीचे फिर क्लिक करना यूज माई गूगल अकाउंट इसके बाद यहाँ नेक्स्ट यहाँ नेक्स्ट तो मैं कर लेता हूँ इसका जो है मॉडल नंबर जाकर आ चुका है इसके बाद करना है फिर से हमें दूसरे फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से मैंने ले लिया इसके बाद करना है इसमें पहले आपका अगर लॉक सेट नहीं है तो पहले आप इसमें लॉक लगा लें पैटर्न लॉक इसके बाद यहाँ से बैक करना और बैक करना दोस्तों इसमें करना है एक ऑप्शन है आपको बाहर ही बिल्कुल गूगल का हर फोन में मिलता है एंड्रॉयड फ़ोन में ये रहा इसमें गूगल का ऑप्शन है ये तो आपको इस गूगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ लिखना है आपको सेट अप मई डिवाइस तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ सेट अप माई डिवाइस तो जैसे मैं सेट अप माई डिवाइस लिखूँगा और लिख के सर्च करना तो इसका जो तो सेटअप होता है वो खुल जाएगा तो यहाँ गेटिंग स्टार्ट जाकर लिखाओ तो मैं सर्च कर लेता हूँ और जैसे मैं सर्च पर क्लिक करूँगा तो यहाँ इसका जो है गेटिंग स्टार्ट जाकर लिखाओ तो फिर आपको यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करना तो मैं कर लेता हूँ और जैसे मैं यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा जो हमारे फ़ोन है कनेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे से तो यह मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ पहले तो यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना नीचे तो यहाँ मैं क्लिक कर लेता हूँ इसके बाद ये सर्चिंग कर रहा और सर्चिंग करने के बाद दोस्तों बिल्कुल सेम नंबर इसमें जाएगा फिर यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करना नीचे तो यहां मैं यहाँ कर लेता हूँ फिर फिर यहाँ कापी पर क्लिक करना कॉपी पे क्लिक करने के बाद यहाँ से पैटर्न मांगेगा तो पैटर्न हमें डालना अगर आपके फोन में पैटर्न सेट नहीं है तो आपका ईमेल आईडी का इसमें पासवर्ड मांगेगा दूसरे वाले फ़ोन में तो आपको पासवर्ड डालना अगर आप पहले पैटर्न लगा लेंगे तो पैटर्न ही मांगेगा और पैटर्न डाल के जो हमारा गूगल अकाउंट है तो बिल्कुल इस वाले फ़ोन में कॉपी हो जाएगा तो यहाँ पे सब पेन पे जो है हटा देना है पहले एक के ऑप्शन पे रहना है डिवाइस सेटिंग पे केवल फिर इसके बाद में कॉपी पे क्लिक करना नीचे और जैसे मैं कॉपी पे क्लिक करूँगा जो हमारे फ़ोन में गूगल अकाउंट था इस वाले फ़ोन में तो इसमें कॉपी हो जाएगा और बिल्कुल जो हमारा फोन है बिल्कुल यहाँ से ओके खुल जाएगा तो यहाँ से मैं इसका बुक कर लेता हूँ एक बार यहाँ नेक्स्ट यहाँ स्किप जो हमारा फ़ोन है बिल्कुल यहाँ से ओके खुल जाएगा अभी जो है क्या है दोस्तों एक बार जो है बैक हो जाएगा बिल्कुल ये यहाँ से मैं पहले इसके कर लेता हूँ स्किप स्किप अगर आपको वीडियो पसंद आए जो वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो यहां से नेक्स्ट कर लेता हूँ ये कॉपी हो गया ये हो चुका कॉपी डन तो आपको इस वाले फोन का जो दूसरे वाले फोन का काम हो चुका है आपको साइड में रख देना इसके बाद ये कॉपी आ चुका है डन तो इसके बाद यहाँ से करना है डन पे क्लिक करना और यहाँ से हमारा जो फोन है एक बार बैक हो जाएगा हो चुका है बैक और बैक करने के बाद दोस्तों फिर से हमें जो है नेक्स्ट करना और फिर जो हमारा फोन है बिल्कुल यहाँ से आगे बढ़ जाएगा यहाँ जाकर लिखा हुआ अकाउंट एडिट आ चुका और इसके बाद दोस्तों जो, जो इसमें एफ लॉक लगा हुआ था तो बिल्कुल यहाँ से जो है बाईपास हो जाएगा तो आप भी अपना फोन इस तरीके से जो सही कर सकते हैं अगर आपके पास वीवो बाई अट्ठारह ही फोन है अगर वो फोन आपसे गलती से हार्ड डिसाइड या फॉर्मेट हो जाता है उसमें आपसे एफ़ आर पी में लॉक मांगता है तो आप इस तरीके से जो सही कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए जो वीडियो को लाइक करें वो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो जो हमारे फ़ोन का सेटअप तो फाइनली कंप्लीट होने वाला और हमारा फोन दोस्तों बिल्कुल ओके यहाँ से हो जाएगा तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसकी ऊपर पर या नेक्स्ट यहाँ फिर गेट स्टार्ट जो हमारा फोन तो बिल्कुल फाइनली यहाँ से ओके हो चुका तो आप भी अपना फोन इस तरीके से सही कर सकते हैं अगर आपके पास वीओ बाई अट्ठारह ही फोन है तो आप भी अपना फ़ोन इस तरीके से सही कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए जो वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें